बताने वाले हैं, दी फंड ट्रेडर करके एक टॉप फर्म है जो कि ये फंडिंग यानी फ्री में लोगों को पैसे देता है हिसाब से ट्रेडिंग करने के लिए। अब ट्रेडिंग करने के लिए कितना भी पैसे आप कमा सकते हो निकाल सकते हो, बट कुछ चैलेंज इनके होते हैं उनको पास करना होता है। लेकिन दो तरह के होते हैं, एक होता है कि आप पैसे दे के भी चैलेंज अकाउंट ले सकते हो, चाहे $4 लाख का या फिर $3 लाख का, यानी मान सकते हो इंडियन रुपये अगर आपके पास 2 से 2.5 करोड़ रुपये बनेगा तो पैसे दे के भी चैलेंज ले सकते हो और फ्री में भी। तो हम फ्री वाला बताएंगे, बाकी पैसे देके जिनके पास भाई टाइम नहीं है कि फ्री का कंपटीशन बीट करें उसके बाद चैलेंज अकाउंट मिले, तो नॉर्मली भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में इजली लिंक दिया और वीडियो देखे पैसे दे के भी ले सकते हो। नॉर्मल से फीस देनी होती है, उसके बाद आपको भाई ट्रेडिंग थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि तभी उनका जो चैलेंज होगा उसको पास कर पाओगे। उसके बाद रियल है लाइव अकाउंट देते हैं, आप लाइव अकाउंट देंगे तो उसके बाद जो भी ट्रेड करोगे प्रॉफिट बनाओगे उसको इजीली विड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने लगभग वीडियो बना चुके हैं कई प्रॉप फर्म के, तो ऑलरेडी वीडियो बने हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया है, लिंक के थ्रू आप बनाना क्योंकि आपको कुछ डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा, लिंक के थ्रू ही बनाना फ्रेंड। अब रही बात थोड़ा पैसे वाला बताया, इसका मैंने पहले भी वीडियो बता दिया कैसे अकाउंट बना कैसे क्या चीज़ें हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। जो नए लोग हैं वो एक बार क्या हो लिंक पे क्लिक करके इसलिए अगर रजिस्ट्रेशन करना रजिस्टर भी करो, नहीं तो पुराना वीडियो उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया तो वीडियो भी देख सकते हो। अब यहाँ पर हम बताएंगे कंपटीशन, जो कि ₹1 नहीं लगना, फ्री में चैलेंज अकाउंट पा सकते हो अभी ₹2.5 करोड़ तक, यानी हिसाब से $3 लाख तक का पा सकते हो फ्री में, एक पैसे नहीं लगाने। और जिनको ये चैलेंज मैं नहीं पास करना कि महीने भर कौन ये चैलेंज पास करे फिर वो, तो उसके लिए भाई पैसा है, थोड़े बहुत फीस लगते हैं जिस हिसाब से अकाउंट लोगे, तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे अगर मान लो इस हिसाब से मैंने देखा, जैसे कि आप नॉर्मली चैलेंज अकाउंट लेना चाहते हो तो जैसे कि नॉर्मल $4 लाख का यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे लेना चाहते हो, इसमें डेज अनलिमिटेड है, चाहे जितने दिन में आप इसको क्वालिफाई करो, लेकिन एक दिन में जो ड्रॉडाउन होता है 5% से 10% डेली नहीं जाना चाहिए, यानी अगर $1 लाख का आपका अकाउंट है तो $5,000 नहीं जाना चाहिए, चाहे आप प्रॉफिट ही बना लो। जैसे प्रॉफिट आपने $1,05,000 कर लिया तो अब आपकी जो लिमिट है ड्रॉडाउन वो ट्रेल हो जाती है, अब वो 5,000 बना लिया प्रॉफिट तो अब समझो $1 लाख तक माइनस नहीं आना चाहिए, अगर आपने 10,000 बना लिया तो 1,05,000 तक नीचे माइनस नहीं आना चाहिए। तो यानी आपका लॉस जो भी होता है DDs का, चाहे ओवरऑल हो मैक्सिमम हो या डेली का, वो ट्रेल होता रहता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान, ये नहीं कि प्रॉफिट बना दिया तो प्रॉफिट हो चाहे इतना रिस्क लो, तो ये सब रूल हैं इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो ये तो हो गया चलो पैसे वाला, तो इससे हमें मतलब नहीं, पहले तो हम सजेस्ट करें भाई फ्री वाला ही करो, जब फ्री वाला चैलेंज मिल रहा हर महीने आता है। तो अभी तो जुलाई का था, जुलाई का जैसे कि मैं तो फेल हो गया, अभी मैं अपना दिखाऊंगा मैं फेल क्यों हुआ, वो भी चीज़ें दिखाएंगे, समझ रहे हो फ्रेंड, वो भी चीज़ें दिखाएँ। और ये मैंने जो अभी इसका वेबसाइट खोला है थोड़ा मोबाइल में खोला है, डिस्टर्ब मोड ऑप्शन मैंने ऑन किया है यहाँ पे देख लो, तो इसलिए अगर ऑप्शन आपको कुछ चेंजिंग लगे तो ये डिस्टर्ब मोड करके आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस तरह थोड़ा बड़ा दिखता है चीज़, तो इसलिए मैं ये चीज़ें किया हूँ। तो चलो ये चीज़ें हो गई, तो लेकिन हमें क्या, ये तो पैसे वाला हो गया, जिनको पैसे से बनाना है भाई इजिली क्या है, डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है वो बना सकते हो, और जिनको फ्री में करना है वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया और पहला वीडियो दिया है, तो स्टेप बाय स्टेप देख के चीज़ें बना सकते हो। लेकिन अब कैसे हम अगस्त वाला हम जो चल रहा है चैलेंज यानी कंपटीशन जो चल रहा है एकदम फ्री, ₹1 नहीं देना, उसको कैसे हम ज्वाइन करेंगे, जो कि अगर फर्स्ट प्राइज आप पाते हो तो $3 लाख का अकाउंट प्लस $5,000 का, ऐसा नहीं अगर इंडियन रुपीज़ देखें तो ₹2.5 करोड़ का चैलेंज अकाउंट आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट हिसाब से, और $5,000 का कैश यानी ₹4 लाख एकदम कैश इस टाइम विड्रॉ कर सकते हो। तो चलने के लिए अब चलिए हम कंपटीशन कैसे कंपटीशन ज्वाइन कर लेंगे, ये सेम स्टेप रहेगा हमेशा हर कंपटीशन ज्वाइन करने के लिए। तो सिंपल है, यहाँ पे 3 लाइन जो होती है इस पर हम क्या क्लिक कर देंगे, अब इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही ऑप्शन इस तरह आ जाएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमको ढूंढना है, यहाँ पे मिलेगा आपको कंपटीशन, अब जो कंपटीशन है आपको यहाँ दिख जाएगा तो ये कंपटीशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया क्लिक कर दिया, अब ये ओपन हो रहा है, अब जैसे ही ओपन हो जाएगा तो थोड़ा सा आप नीचे थोड़ा नीचे क्या जाना है, पहले यहीं पर आपको देखना कई ऑप्शन हैं, आल हैं, अपकमिंग और इन प्रोग्रेस फिनिश्ड, तो हमें क्या करना आल पे नहीं करना, हमें जैसे अगले के बारे में जानना, क्योंकि जो चैलेंज अभी जुलाई में मैं वीडियो डालना, जुलाई में अगर हो तो ये चैलेंज में आप बीच में इंटर नहीं हो सकते, अगर जुलाई का ज्वाइन करना था तो जून में करना था, अब जैसे अगस्त का ज्वाइन आप कर सकते हो तो अगस्त का ज्वाइन करने के लिए क्या करना, क्या नॉर्मल सा अगस्त का पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ इन सॉरी ये अपकमिंग यानी जो आने वाला है, तो आप जो आने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते, जो चल रहा है उसमें आप नहीं घुस सकते, यानी पहले अब अगस्त का 1 तारीख से चालू होगा चले, लेकिन उसके पहले आपको पार्टिसिपेट करना हो तो आप अपकमिंग पे क्लिक करके वो देख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा पहले इससे पहले हम बता दें, अभी जो प्रीवियस चला मैं कैसे फेल हुआ, तो यहाँ पे देखो ये इन प्रोग्रेस यानी जो अभी करंट चल रहा है, तो इसका थोड़ा सा हम दिखाएंगे आइडिया देंगे बस आपको। तो यहाँ पे जैसे हमने जस्ट क्लिक किया, अब इन प्रोग्रेस प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, जैसे कि मैं इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसमें अगर लोगों को देखा जाए लगभग 57,000 लोगों ने मतलब पार्टिसिपेट भी किया था, अभी ये 17 डेज और चलेगा, 17 डेज के अंदर में तो जो भी बंदा मतलब टॉप 100 में होगा तो उसी हिसाब से प्राइज है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया, तो वो चीज़ें आप देख लेना।
लेकिन अब ये चीज़ों के, अब मैं यहाँ पे जैसे रूल वगैरह आपको मैंने दिया ही, रूल पढ़ लेना, लेकिन स्टैंडिंग में आपको दिखाएगा कौन कैसे ट्रेड कर रहा है, कौन टॉप वन पे अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, बट एग्जैक्ट टॉप वन पे जो लास्ट मतलब जो एंड होगा तब तक जो बना रहेगा वही टॉप वन माना जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडिंग हम क्लिक करेंगे, एक बार लिस्ट देखेंगे, या आप भी अगर कर रहे हो तो अपने बारे में अगर जानना चाहते हो भाई मेरी रैंक क्या है, तो यहाँ पे 36,000 कुछ लोगों काम कर रहे हैं अभी करंट, अगर करंट अभी देखा जाए नंबर वन पे कोई है, मीडियम रा करके कोई बंदा है ये दिखा रहा है, बट यहाँ नीचे एक दो तीन करके देखो पहला बंदा ये अभी चल रहा है मीडियम, 67% इसने गेन किया। देखा जाए ज़्यादा आपको गेन करने की ज़रूरत नहीं, यानी $1,00,000 का अकाउंट मिला, अगर तुम 50 से 100% भी गेन कर दो तो टॉप 100 में रहोगे, टॉप वन पे भी आ सकते हो। जैसे ये बंदा है, अगर ये ऐसे ही 17 दिन और टॉप वन पे बना रहा तो $3,00,000 का अकाउंट चैलेंज अकाउंट मिल जाएगा, प्लस $5,000 कैश मिल जाएगा। तो ऐसे करके टॉप 100 मतलब जैसे इसके नीचे इतना मिलेगा, ये ऐसे करके देख सकते हो, तो इससे एक अंदाज़ा मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पे आप अपने आप को आप कर रहे हो ट्रेड, तो अपना क्या है जो आपका यूज़र नेम होता है, जैसे प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे तो ईजिली हमने क्या किया है यहाँ पे SNS96 करके मेरा यूज़र नेम ये था, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम डाल के सर्च करेंगे SNS96, सॉरी इसमें आ नहीं रहा, स्पेस हो गया। अब देखो यहाँ सर्च कर लो अपना जो भी निक नेम आपने डाला था, यहाँ पे जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे ये सर्च, अब सर्च करो अभी आ जाएगा मेरा, ये देखो जैसे सर्च के ये आ गया मेरा, लेकिन आगे DQ लिखा है, यानी मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, जो कि मैं रिटर्न देखा जाए 25% मैंने गेन किया था। अगर 25% के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इजीली मैं टॉप 100 के आसपास यानी 100-150 के अंदर में था, बट डिस्क्वालीफाई हो गया कि मैं बहुत बड़े लॉट मारता था, 30 स्टैंड इंडिया में 30 स्टैंडर्ड लॉट मार सकते थे, इसलिए मैं 30 स्टैंडर्ड लॉट मारता था, जिसकी वजह से $5,000 ड्रॉडाउन था। और हुआ क्या, 10 पिप अगर माइनस गया, आपको अंदाजा है 30 स्टैंडर्ड लॉट मारे अगर 10 पिप नीचे गए तो $5,000 मेरा क्या है जो रूल है ब्रीच हो गया। तो इसी वजह से क्या है मैं बनाया तो बहुत, लेकिन रीज़न ये था, जैसे आप इस पर क्लिक करिए डिटेल भी हम देख सकते हैं अपना, ये इस पर क्लिक किया अब यहाँ नीचे मेरी डिटेल आ जाएगी, ये देखो मेरी इक्विटी दिखा रही है, 125,000 में बनाया, करंट बैलेंस इतना है भी, लेकिन मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, यानी 25% मैं गेन भी किया, टॉप 150 के अंदर में था, उसका गलती मेरी क्या थी, ये देखो मेरा ग्रोथ भी चार्ट भी है, ऐसे अपना भी देख सकते हो। तो ये तो प्रीवियस है, अब मेरे जो मतलब वॉश आउट अकाउंट में जो ब्रीच किया ट्रेडिंग, अब आपको अंदाज़ा लगाऊं यहाँ पे जो सबसे बड़े बड़े मैंने लॉट मारे, आप वो नहीं करोगे इंडिसेस में, इसमें एंट्रियाँ इसमें एकदम एंट्री दिखा रहा हूँ कितने लॉट का मैं मारा हूँ। हाँ ये देखो ये मेरे ये 30 स्टैंडर्ड लॉट का, ये बड़े बड़े लॉट है, तो ये क्या हुआ 10 पिप माइनस जाके ड्रा डाउन जाके ऊपर आ गया, प्रॉफिट ही है बट 10 पिप, तो भाई 10 पिप गया तो 30 स्टैंडर्ड लॉट का आप कैलकुलेट करो तो इजीली क्या है $5,000 माइनस हो जाता है, तो $5,000 क्या माइनस हो गया, मैं आउट हो गया। अब मैं इतना बड़ा लॉट इसलिए मार रहा था कि जल्दी से मैं 100% गेन कर लूँ अकाउंट अपना क्लोज करूँ, क्योंकि रियल पे भी ट्रेड करना होता है, फिर ये भी तो एक साथ सब पे टाइम देना मुश्किल होता है, चांस होते नहीं, तो इसलिए क्या जल्दी जल्दी हम मार रहे थे 30 और मैंने बनाया भी 25% तक गेन कर लिया, लेकिन एक ट्रेड ऐसा हुआ कि 10% माइनस 10 पिप माइनस चला गया, सिर्फ 10 पिप माइनस गया, बहुत ज़्यादा नहीं 10 पिप माइनस गया, लेकिन स्टैंडर्ड लॉट देख रहे हो 30 स्टैंड, तो इस वजह से मेरा अकाउंट कहीं ना कहीं भाई आप देख सकते हो आपके सामने मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, तो इसलिए अपना देख सकते हो, अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो फर्जी का मेहनत मत करो, नेक्स्ट ट्राई करो। हाँ तो ये चीज़ें हो गई, ये तो ये होगा कि अगर तुम कर रहे हो अपनी प्रेजेंट टाइम जब चीज़ें कर रहे हो तो ये चीज़ें आप देख सकते हो उसी ये चीज़ें, लेकिन अब हमें पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट करने हमेशा यही प्रोसेस रहेगा, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, यहाँ पे इन प्रोग्रेस में नहीं जाना है, यहाँ पे अपकमिंग में आ जाना है। और अगर आपको प्रीवियस रिजल्ट देखना है कौन बंदा जीता था, ये फिनिश वाला भी दिखा देना प्रीवियस के बारे में अगर जानना है, तो एक बार इसको भी हम जान लेते हैं, तो इस पर हमने क्लिक कर दिया, अब इस पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे देखो प्रीवियस जितने कंपटीशन हुए जितने भी कौन कौन जीता, जैसे कि ये देखो प्रीवियस में बहुत ज़्यादा हुए, तो यहाँ पे लास्ट जून जुलाई ये तो ये चल रहा है, इसके पहले देखो जून वाला काम देख लेते हैं, जून इसके पिछले मंथ यानी जिसने जीता, जिस मंथ का आप देखना चाहो देख सकते हो, तो जून का देखना है कोई बंदा था पहले, ये देखो टॉप पे कोई TAGB करके 67%, यानी देखा जाए ज़्यादा आपको बनाने की जरूरत नहीं थी, सोचो फ्रेंड हम फर्जी इतना ज़्यादा बनाने के चक्कर, देखो मैं 25% गेन किया था लालच में बड़े लॉट मार रहा था, अगर स्लोली महीना भर करो तो आराम से 67% कोई बड़ी बात नहीं, देखो जो टॉप वन पे बैठा वो सिर्फ 67% गेन किया, आराम से $3,00,000 का अकाउंट जीता चैलेंज अकाउंट और प्लस $5,000 कैश भी पाया, उसी हिसाब से टॉप टू पे देख सकते हो 63% गेन किया, ये मतलब देख दो तो बहुत ज़्यादा गेन नहीं किया, अगर हम लास्ट में देखें ये देख रहे हो एकदम 70 नंबर पे भी आते हो तो 32% बंदे ने गेन किया है, $10,000 का चैलेंज अकाउंट तब भी मिल गया बंदे को, ये सब चीज़ें। अब फ्रेंड ये सब चीज़ें हमने बता दी, अब नॉर्मली ये होगा कि भाई पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल सा हमेशा जैसे आपको पार्टिसिपेट करना अपकमिंग पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप
करंट वाले तुरंत जो चल रहा है प्रोग्रेस या फिनिश से कोई मतलब नहीं हो तो खत्म हो गया, लेकिन उससे एक अंदाजा आइडिया ले सकते हो पिछली बार लोगों ने कितना बनाया था, तो बीन किया था जो फर्स्ट रैंक पे या सेकंड रैंक पे थे उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करो। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कि डबल टिबल कर लें, जैसे मेरी तरह मैंने अपनी गलतियाँ आपको दिखा दी। बड़े बड़े लॉट मारना जरूरत नहीं, एक दो लॉट तीन लॉट लेके 30 दिन टाइम है भाई, आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं। क्योंकि आप इतना तो है ना कि आपका रियल मी अकाउंट वहाँ टाइम देना यहाँ टाइम देना, आपका सिंगल अकाउंट है, पैसे नहीं है, आराम से ट्राई करो। तो हम क्या करेंगे, अपकमिंग पे क्लिक करेंगे। अब अपकमिंग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो अपकमिंग वाला आ गया। अपकमिंग यानी अभी जुलाई में वीडियो बनाओ, 17 दिन बचा है ये स्टार्ट होने। अगर 17 दिन हो गया तो अब इस अगस्त वाले में नहीं ज्वाइन कर पाओगे, अगस्त के बाद जो महीना आएगा, अगस्त के बाद जो महीना, तो उसमें ज्वाइन कर पाओगे। तो इसलिए अभी 17 दिन है, 17 दिन के पहले आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें भी अपना पहले बार रूल में जाके आप देख लेना कैसे क्या चीज़ें हैं, तो इस पर एक बार क्लिक कर देना तो कैसे क्या इनाम, क्योंकि ये चेंज भी होता रहता है। लेकिन अभी तो इनाम देखा जाए वही है, $3 लाख का फर्स्ट पे हो अकाउंट प्लस $5,000 कैश। वैसे ही सेकेंड और थर्ड प्राइज का भी दिया, फिर ये देखो पूरा दिया, यानी टॉप 100 के अंदर में आओगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलना ही मिलना है, एक ना एक चैलेंज अकाउंट मिलना है, भले $10,000 का मिले। और उसके नीचे फिर ये रूल होते हैं, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ट्रेलिंग ड्रा डाउन होता है। ट्रेलिंग यानी जैसे जैसे प्रॉफिट करना चाहते हो, $1 लाख का डेमो अकाउंट मिलेगा उसी से बनना, तो 5% आपका डेली नहीं जाना चाहिए। चाहे आप 1,05,000 बनाए तो 5,000 आप माइनस, यानी 1 लाख तक माइनस नहीं, अगर 1,10,000 आपने बना दिया तो 1,05,000 तक माइनस नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे आपका जो ड्रा डाउन होता है वो ट्रेल होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और बोट वगैरह अलाउ नहीं है। और यहाँ पे लॉट साइज भी यहाँ पे इसने बता दिया भाई, अगर मैगजिम फॉरेक्स में ट्रेड लेना चाहते हैं, फॉरेक्स शेयर जैसे कि यूएसडी GBP USDT ये सब आते हैं, इसमें अगर ले रहे हो तो मैगजिमम जैसे एक पेयर में, जैसे यूएसडी 5 स्टैंडर्ड लॉट मार दो चाहे डायरेक्ट एक ही बार में, चाहे आप 0.01 की मारो वो आपके ऊपर है। वहीं पे GBP USDT में 5 मार, 5 करके 5 ट्रेड ओपन कर सकते हो, मल्टीपल मार सकते हो। लेकिन फॉरेक्स में हाइएस्ट 5 स्टैंडर्ड लॉट से एक पेयर में नहीं मार सकते। तो वहीं पे अगर लेकिन इंडिसेस में आप ट्रेड करना चाहते हो तो देख सकते हो सबसे बड़े बड़े लॉट, तो इंडिसेस जैसे तुम्हारा हो गया NASDAQ 100, US 30 हो गया, और भी ऐसे ऐसे गैस वगैरह ये सब चीज़ इंडिसेस में आ गए, तो वहाँ पे बहुत बड़े लॉट मार। लेकिन रिस्क भी जैसे मेरा देख सकते मैं फेल हो गया इसी के चक्कर में। हाँ प्रॉफिट बहुत तेज़ बना, 1-2 दिन में $25,000 बन गया, बट एक ही बार 10 की डर हो गया। बाकी क्रिप्टो हो गया गोल्ड हो गया, उसमें 3 स्टैंडर्ड लॉट मार सकते हो, 3-3 करके 5 ट्रेड ओपन कर सकते हो। और मैं यहाँ मतलब 1 टाइम में 5, और बाकी IP एड्रेस वाला तो आपको पता होना चाहिए, एक IP में नहीं आना चाहिए कि आपके घर में वाईफाई लगे, मल्टीपल फैमिली के लोग आप क्या है ट्रेड कर रहे हो, तो ऐसा आएगा तो डिस्क्वालीफाई सारे लोग हो जाओगे। तो ये तो हो गया कंपटीशन, ये पढ़ लेना। अब पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना, यहाँ रजिस्टर बटन इस पर हमको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करें हम बोल रहे हैं नए बंदे जो हैं भाई, अब ये देखो प्लीज़ चेक योर ईमेल ऑर्डर। अब ईमेल ऑर्डर पे जाओगे आपको सारी चीज़ें डिटेल और कंडीशन जो होगा वो भी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए हम दिखा देते हैं, लेकिन दिखाने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे ना बाकी और आपके रूल और कंडीशंस होंगे, तो उसके लिए ना एक बार यहाँ पे आप जरूर चले जाना। कहाँ पे, यहाँ फैक पे आपके जितने भी क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछते हो, पूछने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कंपनी को भी पता होता है, आपके अंदर कन्फ्यूजन होगी, तो इसलिए फैक करके अलग बना दिया जाता है। FAQ में चले जाना, यहाँ सारे सवाल के आपके जवाब लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे इसको एक बार जरूर रीड कर लेना। कोई भी कंपटीशन, कोई भी चैलेंज अकाउंट पढ़ने से पहले या कुछ भी मतलब करने से पहले ये जरूर कर लेना, समझ रहे हैं फ्रेंड। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कर लेना। अब इसके बाद सिंपल से ईमेल ID पर चले जाइए, जैसे ही आप पार्टिसिपेट कर लिए, चलिए हम जाते हैं वहाँ। दिखा अब फ्रेंड देखते हो यहाँ पे ईमेल पे मैसेज आएगा, यहाँ पे सारे कंडीशंस भी दिए हुए हैं और चीज़ें दी हुई हैं, तो आप पढ़ वगैरह सकते हो, पूरा बताया भी गया। अब फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे सारे डिटेल दिए हुए हैं, यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे अकाउंट लॉगिन आईडी नंबर दिया हुआ है, यहाँ सर्वर दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रोकर नेम दिया हुआ है। तो ये चीज़ें कॉपी करके आपको लॉगिन कर लेना है MT5 में। तो जैसे कि मैंने इसका पहला वीडियो बनाया उसको मैंने बार बार बताया, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, तो इसलिए वो चीज़ हम बार बार अब नहीं बताएं कैसे लॉगिन क्या करना है। तो जिनको लॉगिन करना नहीं आता भाई वो जाके वो वीडियो देख लेना, मैंने उसमें बताया हुआ। तो बस यही चीज़ें थी, बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्यारा सा जरूर कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, एक शेयर जरूर कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।